वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर। दोस्तों आजकल सबसे ज़्यादा प्रोसेसर जो हाइप में है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, खासकर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस 7 नैनोमीटर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली एसओसी सीरीज है, और सिर्फ फ्लैगशिप ही नहीं मिड रेंज या बजट स्मार्टफोन्स में भी स्नैपड्रैगन की अच्छी खासी प्रेजेंस देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है कैमरा फंक्शंस में, गेमिंग में, रैम मैनेजमेंट में, बैटरी मैनेजमेंट में और कनेक्टिविटी में भी। दोस्तों ये 2000 से लेकर आज तक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने मार्केट में बनम तक बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, बेस्ट चिपसेट मेकर रहा है और स्मार्टफोन की दुनिया में किंग की तरह रहा है। पर समय बदलता है और दूसरों का टाइम भी आता है, वही होने वाला है 2021 की तरफ, और उसकी तैयारी सैमसंग और मीडियाटेक ने शुरू कर दी है। अब तक स्नैपड्रैगन से रेस में पीछे रहने वाले मीडियाटेक और स्ट्रगल करते हुए एक्सिनोस ने स्पीड पकड़ ली है, और शायद 2021 के एंड तक ये दोनों चिपसेट ब्रांड्स टेक्नोलॉजी के नाम पे स्नैपड्रैगन से आगे नहीं तो बराबर तो आ ही जाएंगे। दोस्तों आपने तो सुना ही होगा कि सैमसंग और मीडियाटेक ने अपने नए चिपसेट्स अनाउंस कर दिए हैं, जो 2020 के एंड तक या फिर 2021 में आपके सामने वाली स्मार्टफोन शोरूम में पहुंच जाएंगे। हालांकि क्वालकॉम ने भी स्नैपड्रैगन 875 का अनाउंस कर दिया है, पर इसके कंपटीशन में आने वाले प्रोसेसर्स को भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। आज हम बात करेंगे तीन ऐसे प्रोसेसर्स की जो स्नैपड्रैगन के मार्केट शेयर को चैलेंज कर सकते हैं और शायद जीत भी सकते हैं। तो क्या है ये तीन प्रोसेसर्स और क्यों इनसे स्नैपड्रैगन डरा हुआ है, आओ बताता हूँ। दोस्तों इन तीन प्रोसेसर्स की बात करने से पहले बता दूं कि द फेमस स्नैपड्रैगन 865 प्लस फेमस हुआ क्योंकि उसमें 5G सपोर्ट था और वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे फैब्रिकेट हुआ है, और इसकी क्लॉक स्पीड ऑलमोस्ट 2.84 GHz टच करती है। साथ में इसका एडिनो 650 GPU जो गेमिंग को ज़बरदस्त करता है, और ये महंगा भी है। और आने वाला है 875 जो 865 प्लस से 25% फास्टर होगा, पर मिड रेंज स्मार्टफोन्स में क्वालकॉम की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट उसके प्राइस रेंज के कॉम्पिटिटिव प्रोसेसर्स के बराबर ही थी। तो मतलब स्नैपड्रैगन को बीट करना है 5G कॉन्सेप्ट पे, प्रोसेसर नैनोमीटर की रेस में, GPU में और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस में। मतलब स्नैपड्रैगन 865 प्लस के जैसा प्रोसेसर सस्ते में मिल जाए तो। अगर मैं कोई पॉइंट्स मिस कर रहा हूँ आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो पहला प्रोसेसर जिसकी हमें बात करनी चाहिए वो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U 5G चिपसेट जो ड्यूअल 5G सिम सपोर्ट करता है। दोस्तों इसी साल अगस्त में मीडियाटेक ने डायमेंसिटी सीरीज में डायमेंसिटी 800U SoC लॉन्च किया है, और खास बात यह है कि ये SoC भी 5G एनेबल्ड है। ये डायमेंसिटी 800U डायमेंसिटी 1000 से थोड़ा नीचे है मार्किंग में, जिन्हें मिड रेंज बजट फोन के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे एक बड़ी खबर आई है कि मीडियाटेक ने इंटेल के पावर मैनेजमेंट चिप बिजनेस इंपीरियन को $85 मिलियन में खरीद लिया है, जिससे मीडियाटेक की ताकत और बढ़ जाएगी। डायमेंसिटी 800U उसके कैटेगरी के स्मार्टफोन प्रोसेसर्स के मुकाबले सस्ता भी है, और इसका सस्ता और इक्वली परफॉर्मेंस देना फोन ब्रांड्स के लिए खुशी की बात हो सकती है। अब इस वजह से स्मार्टफोन ब्रांड्स स्नैपड्रैगन 765 जैसे प्रोसेसर से हटके डायमेंसिटी 800U पे आ सकते हैं उनके मिड रेंज फोन्स के लिए। अब आते हैं दूसरे प्रोसेसर पे जो आता है एक्सिनस की तरफ से। पिछले कुछ सालों में सैमसंग के एक्सिनस ने बहुत नेगेटिव रिव्यूज का सामना किया है और स्मार्टफोन मार्केट में अपनी जगह और पहचान बनाने में भी बहुत स्ट्रगल किया है, पर 1080 ये सब बदल सकता है आई होप। दोस्तों इसी साल सैमसंग एक्सिनोस 1080 लॉन्च हुआ है, जो सैमसंग का पहला 5 नैनोमीटर चिपसेट है जो पूरे 200 मेगापिक्सल कैमरा को सपोर्ट कर सकता है। ये ऑक्टाकोर CPU ट्रिपल क्लस्टर डिजाइन यूज करता है और साथ में WQHD+ डिस्प्ले भी ऑफर करता है, और ये भी 5G एनेबल्ड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सिनोस 1080 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस को बीट कर सकता है और कर भी रहा है, और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सिनोस 1080 स्नैपड्रैगन के अगले SoC स्नैपड्रैगन 875 से भी ज़्यादा पीछे नहीं है। तो सोचने वाली बात यह बनती है कि अगर एक्सिनोस 1080 ऑलरेडी क्वालकॉम के येट टू बी लॉन्च 875 के ज़्यादा पीछे नहीं है, तो क्या एक्सिनोस का अगला प्लान चिपसेट स्नैपड्रैगन को टोटली बीट तो नहीं कर देगा? मीन्स क्वालकॉम के बिजनेस पे इससे बहुत असर पड़ सकता है, पर आई एम श्योर कि क्वालकॉम को भी ये पता है और वो कुछ ना कुछ करेंगे इस मामले में। वैसे भी अगली रेस 4 नैनोमीटर की है, पर असली ट्विस्ट वाली बात जो स्नैपड्रैगन के लिए टेंशन बन सकती है वो ये है कि एक्सिनस 1080 मिड रेंज फोन्स के लिए डिजाइन किया गया है और स्नैपड्रैगन 865 प्लस से सस्ता भी है, और इसी वजह से कुछ आने वाले टाइम में मिड रेंज स्मार्टफोन के बेंचमार्क्स फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बेंचमार्क्स से कंपेयर किए जा सकते हैं। मेरे इस आर्ग्यूमेंट में सिर्फ प्रोसेसर को लेकर बात हो रही है और फोन के बाकी स्पेक्स जैसे रैम, कैमरा, स्टोरेज, बैटरी वगैरह को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अब क्योंकि एक्सिनोस 1080 का टारगेट मिड रेंज है तो शायद स्मार्टफोन मेकर्स एक्सिनोस को ही चूज करेंगे, ना कि महंगे स्नैपड्रैगन को, और आई एम श्योर कि स्नैपड्रैगन इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। अब आते हैं तीसरे प्रोसेसर पे जो दोबारा मीडियाटेक की ओर से डेवलप किया गया है।
दोस्तों कुछ ही दिन पहले मीडियाटेक ने यह बताया कि उन्होंने एक नया 6 नैनोमीटर चिपसेट डिजाइन किया है जो कॉर्टेक्स A78 फीचर्ड है और 3 गीगाहर्ट्ज की स्पीड रीच कर सकता है। इसका नाम मीडियाटेक 6893 रखा गया है जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इस ऑक्टाकोर में से एक कोर होगा कॉर्टेक्स A78 जो 2.8 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करेगा, उसके बाद ट्रिपल कॉर्टेक्स A78 कोर जो वर्क करेगा 2.6 गीगाहर्ट्ज पे और फिर क्वाड कॉर्टेक्स A55 जो 2.0 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करेगा। साथ में इसमें मिलेगा माली 677 GPU ग्राफिक्स हैंडल करने के लिए। मीडियाटेक ने 6 नैनोमीटर क्यों चूज किया? वेल, इसके रीजन बहुत हो सकते हैं और ये सोचने वाली बात भी है। इन स्पेक से ये पता चलता है कि मीडियाटेक 6893 उसी के मीडियाटेक 1000 प्लस से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि इस चिपसेट के दो वर्जन हो सकते हैं और उनमें से एक की स्पीड 3 GHz पक्का होगी जो मोस्टली फ्लैगशिप फोन्स के लिए डिजाइन होंगे। दोस्तों इन सब से ये पता चलता है कि मीडियाटेक एक्सिनस 1080 और स्नैपड्रैगन 875 और उनके शायद से अगले चिपसेट्स को भी बीट करने की प्लानिंग कर चुका है। अब देखना यह है कि क्या मीडियाटेक 6893 के फ्रीक्वेंसी थोड़ा ऊपर नीचे करके इसको भी मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए ऑफर किया जाता है या नहीं। वेल, इतना कुछ देख के लगता है कि फ्यूचर में कहीं सिर्फ एक्सिनस वर्सेस मीडियाटेक ही देखने को ना मिले, क्योंकि जिस तरह ये दोनों ब्रांड्स अपने मिड रेंज और फ्लैगशिप प्रोसेसर्स प्लान कर रहे हैं, लगता है कि स्नैपड्रैगन के अच्छे दिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। वैसे स्नैपड्रैगन 875 प्लस की कीमत 8000 से 10000 रुपए के बीच में पता चली है, तो अब प्रोसेसर इतना महंगा है तो लगा लो कि फोन की प्राइस टैग कितनी ऊपर तक जा सकती है, और इसी चीज का फायदा उठाएंगे एक्सिनस और मीडियाटेक। पर प्रोसेसर आपके डिवाइस को फास्ट बनाता है रैम, इसकी वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, जरूर देखिएगा। आपको इन तीन में से कौन सा प्रोसेसर प्रॉमिसिंग लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रुके क्यों हो, दबाओ सब्सक्राइब बटन को। वेल, देखते हैं कि आगे प्रोसेसर्स की लड़ाई में कौन 2021 को जीत पाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू एनोनिमस टेक टेलर। आई विल बी बैक।